नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में जिला पंचकुला के बरवाला में जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ बरवाला जिला पंचकुला में आयोजित पदयात्रा में शिरकत करती कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ लूटने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी इस लूट के खिलाफ आमजन के साथ खड़ी है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी और गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है और यह इस प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य है कि आज भाजपा जनपा सरकार में एक आम आदमी कर्ज के बोझ के तले दबा जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन आज बरवाला में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के अंतर्गत लोगों को संबोधित कर रहे थे। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कहां गया वो पैसा? क्या आम आदमी को कुछ फायदा पहुंचा? जब देखो कि मुझे बड़ी हुई, अखबार में चलाया था बच्चे बड़े मजाक के तौर पर कि 150 रुपया किलो टमाटर के लिए 80 लाख, वो भी 150 पहुंचेगा, 1 लाख तो लोग बुला सबसे 150 में टाइम नहीं लगना, क्योंकि इस सरकार को आम नागरिक की चिंता नहीं। गरीब आदमी हमने कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था हमें, ताकि अगर महंगाई होगी तो गरीब आदमी पर मार ना पड़े। तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी हो, लेकिन आम नागरिक को उपभोक्ता को हमने बचा कर रखा। अगर बोझ पड़ता था तो सरकार अपना खर्चा काटती थी, लेकिन आम नागरिक को बचाते। आज के दिन बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं भावी मुख्यमंत्री हमारी बड़ी बहन परम आदरणीय हमारी सैलजा जी, मेरे भाई आदरणीय वजीर चौधरी जी, विधायक कालका हमारी बहन रेणु बाला जी, विधायक सनवरा, सभी के नाम लूंगा, बहुत वक्त लगेगा, आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं, ये जो सम्मानित मंच कह के मैं संबोधित करूंगा, सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी मेरे सर के सरताज, मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय बहन जी का यहां पर आने पर स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, मैं कोई बात रिपीट नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो गया पहले कार्यक्रम, मैं तो आपसे जरूर इतना ही अनुरोध करूंगा कि आज जो भी संदेश हमें बहन जी देके जाएंगे, इसको हर गांव में, हर घर घर में हमें पहुंचाना है, बात का संकल्प लेके आपने यहां से जाना है। आपकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद देने। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।